हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करनाल के एक बैठक का आयोजन सेक्टर 3 स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इंडस्ट्री में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और उनके समाधान के बारे में राय दी गई। इस मौके पर जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि यह उनकी मासिक बैठक है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की जाती है और व्यापार में आने वाली दिक्कतों के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श कर उनके समाधान के बारे में अधिकारियों के साथ मिलकर हल निकाला जाता है। इस मौके पर जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करनाल के कार्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से वातावरण स्वस्थ रहता है और पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि लोगों को भी अपने घरों के आसपास व कार्यालय में पौधे लगाने चाहिए, जिससे स्वस्थ वातावरण लोगों को मिल सके। कार्यक्रम में पहुंचने पर जिला उपायुक्त का चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री करनाल के पदाधिकारियों द्वारा फूलों के बुके देकर स्वागत किया गया और जिला उपायुक्त का कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद दिया गया। यहां हम आपको बता दें कि हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करनाल ब्रांच काफी समय से इंडस्ट्री में कार्य करने वाले व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करती रहती है और समय समय पर जो समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है, उनको प्रशासन के समक्ष रखकर उनका समाधान किया जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। अभी हमारे साथ मौजूद है जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह। सर, क्या एजेंडा है ये मीटिंग बुलाने का, जो मीटिंग बुलाई गई? देखिए, क्योंकि हमारा प्रदेश सरकार का एक जिम्मेदारी है कि जो यहाँ के उद्योग हैं उनकी समस्याओं को भी सुने और उनके जो एप्लीकेशन हैं उनका भी सभी का समय से प्रोसेसिंग होकर सेंक्शन हो, इसी वजह से मंथली मीटिंग्स यहाँ रखी जाती हैं। इस बार निर्णय लिया कि उद्योग क्षेत्र जो करनाल का है उसी में ही इंडस्ट्रीज़ के बीच में आकर मीटिंग ली जाए, जिसमें इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और साथ साथ जो एप्लीकेशन विभिन्न विभागों की इंडस्ट्री संबंधित हैं उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। कितने विभागों से लोग? इसमें इंडस्ट्री से संबंधित हमारे लगभग 10 से 12 विभाग हैं जिनका उद्योग से सीधा सीधा नाता रहता है, जिसमें बिजली विभाग, लेबर, इंडस्ट्रीज़, पॉल्यूशन, इस तरह के सभी विभागों को बुलाया गया है। मैं करनाल ज़िले के उद्योग एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज वृक्षारोपण का इस कार्य को किया। मानसून का समय है और आपके माध्यम से भी करनाल के वासी सभी को मैं आग्रह करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और हर व्यक्ति एटलीस्ट 3 वृक्ष लगाए, चाहे वो अपने परिवार के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर या पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में। और किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मीटिंग में प्रॉब्लम्स जो आएंगी उनको सुनेंगे, परंतु अगर किसी तरह से किसी एप्लीकेशन से संबंधित समस्या है, कहीं पेंडिंग रह गई हैं, तो उनका भी विचार विमर्श करने के बाद उनको सॉल्व करवाएंगे। साथ साथ जो और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर भी इंडस्ट्री से बात करेंगे। हाँ जी, किस तरह की वेलकम करेंगे आप सर? स्वागत करते हैं इंडस्ट्री एसोसिएशन, हमारे डी साहब का स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब हमारी हर कंप्लेंट से खड़े होते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह। इन्होंने कहा कि ऐसी ये HCI की जो मीटिंग है एक महीने में रखते हैं और यहाँ पर सारे इंडस्ट्रियल लोग होते हैं जो कि अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस पर उन्होंने संदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 3 पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण रहे। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ करना।